Well, friends, very, very good morning, everyone. What's Wakalatnama? What is Wakalatnama? Wakalatnama kya hota hai? Aapne suna hoga ki Wakalatnama bhara gaya. To ye Wakalatnama hai kya? Chaliye isko bhi jaan lete hain. Dekhiye, Wakalat, pehle Nama kya hai? Nama, it is a legal document. लीगल डॉक्यूमेंट और वकालत, ये वकालत क्या है? वकालत इट गिव्स एन अथॉरिटी और परमिशन किसको? टू एन एडवोकेट. टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स लीगल प्रोसीडिंग्स इन ए कोर्ट. कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए वकालतनामा भरा जाता है. इट इज आल्सो नोन एज मेमोरेंडम ऑफ अपियरेंस. अपियर होने का मेमोरेंडम है, अपियरेंस ये भी कहलाता है. इट इज, तो ये है वकालतनामा. नामा एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ये एक एडवोकेट को ऑथराइज या परमिशन दी जाती है कि आप मेरे भी आप पे मेरे केस की पैरवी कर सकते हैं. इस जो और जो होल्डर है वकालतनामा होल्डर, वो वकील है, प्लीडर है, उसको कई नामों से पुकारा जाता है, काउंसिल भी कह सकते हैं. तो ये वकालतनामा है. देखिए, वकालतनामा जो है भरे बिना कोई भी एडवोकेट आर्गू नहीं कर सकता, कोर्ट में क्लाइंट को पेश नहीं कर सकता, लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती. तो ये वकालतनामा सबसे पहले केस फाइल करने के लिए भरा जाता है. कोई भी इसके बिना वकील कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है. यदि कोई वकालतनामा भरने के बाद अगर वकील की फीस नहीं दी जाती किसी कारण या कम दी जाती है, तो वकील को भी राइट है कि वो केस की पैरवी नहीं कर सकता, करेगा. तो वकालतनामा सबसे पहला स्टेप है. जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो वकालतनामा भरा जाता है. इसकी वैलिडिटी क्या है? देखिए, ये एनी टाइम इसको रिवोक किया जा सकता है, या फिर अगर वकील की डेथ हो जाए या क्लाइंट की डेथ हो जाए तो ये रिवोक हो जाता है. तो ये था कि व्हाट इज वकालतनामा. ये एक टर्म है, लीगल टर्म है कोर्ट की. तो हैव ए नाइस डे. थैंक यू.